हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 7 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से 6 तक के वीडियो को ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। चैप्टर 2 और चैप्टर 6 हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसका वीडियो आप लोग को नहीं मिलेगा। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने सारे चैप्टर से वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके बाद 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। क्वेश्चन है, यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन दिया गया है मार्को पोलो, नंबर 2 है कितगावा उत्तमारो, नंबर 3 है योहान गुटेनबर्ग, या फिर नंबर 4 होगा इरास्मस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योहान गुटेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक बिब्लियोथिक ब्लू का सही अर्थ है? ऑप्शन दिया गया है एक लेखक, कम कीमत वाली छोटी किताबें, स्मारक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कम कीमत वाली छोटी किताबें। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 नंबर है, निम्न में से कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शंस हैं मार्टिन लूथर, जॉर्ज इलियट, मैकिस्म गोखी, या फिर मार्टिन लूथर किंग। तो राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक थी? तो ऑप्शन है चैप बुक, ऑप्शन 2 है डायमंड सूत्र, ऑप्शन 3 है ग्रीम्स फेयरी टेल्स, या फिर ऑप्शन 4 होगा बाइबल। तो राइट आंसर हो जाएगा बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों का पेपर ब्रेक संस्करण प्रस्तावित हुआ था? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध में, ऑप्शन 2 है द्वितीय विश्व युद्ध में, ऑप्शन 3 है रूसी क्रांति में, या फिर महामंदी की शुरुआत में। तो राइट आंसर हो जाएगा महामंदी की शुरुआत में। पुस्तकों का पेपर ब्रेक संस्करण महामंदी की शुरुआत में प्रस्तावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर है, इंग्लैंड ने फेरी वालों के द्वारा 1 पैसे में बिकने वाली किताबों को कहा जाता था? ऑप्शन है सिलिक सीरीज, ऑप्शन 2 है अलमानकम, ऑप्शन 3 है चैप बुक्स, या फिर ऑप्शन 4 होगा उपन्यास। तो राइट आंसर हो जाएगा चैप बुक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने का साधन विशेषकर नारियों के लिए था? तो ऑप्शंस है चैप बुक्स, पेनी मैगजीन्स, या फिर ग्रीम्स फेयरी टेल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा पेनी मैगजीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की तर्ज पर बना था? ऑप्शंस है आयरिश प्रेस कानून, ऑप्शन 2 है अमेरिकन प्रेस कानून, ऑप्शन 3 है चीनी प्रेस कानून, या फिर ऑप्शन 4 होगा जर्मनी प्रेस कानून। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा आयरिश प्रेस कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 नंबर है, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम है? ऑप्शन दिया गया है डायमंड सूत्र, बाइबल, उकियो, कुरान। तो राइट आंसर हो जाएगा डायमंड सूत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में मुद्रण की सबसे पहली तकनीक विकसित हुई? ऑप्शन दिया गया है भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 नंबर है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, यह शब्द किसने कहे? ऑप्शन है योहान गुटेनबर्ग, ऑप्शन 2 है न्यू कोमेन, ऑप्शन 3 है महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन 4 होगा मार्टिन लूथर। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बनाया? ऑप्शन दिया गया है जेम्स वॉट, न्यू कॉमेन, जॉर्ज इलियट, रिचर्ड एम हो। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा रिचर्ड एम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक को यूरोप में लाया? ऑप्शन है योहान गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन 2 है मार्को पोलो ने, ऑप्शन 3 है रिचर्ड एम हो में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मार्को पोलो। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 नंबर है, पुर्तगालियों के साथ प्रिंटिंग प्रेस गोवा में कब आई? ऑप्शन दिया गया है 18वीं सदी के मध्य में, ऑप्शन 2 है 17वीं सदी के मध्य में, ऑप्शन 3 है 16वीं सदी के मध्य में, या फिर ऑप्शन 4 होगा 15वीं सदी के मध्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 16वीं सदी के मध्य में। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर है,
इंग्लैंड में किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालयों का उपयोग किन लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया? ऑप्शन है सफेद कॉलर मजदूरों व दस्तकारों को, ऑप्शन टू है दस्तकारों तथा निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को, या फिर ऑप्शन थ्री होगा सफेद कॉलर मजदूरों दस्तकारों तथा निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को। तो राइट आंसर होगा सफेद कॉलर मजदूरों दस्तकारों तथा निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को। अब नेक्स्ट आगे हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो ये सब सारे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन में अभी कुछ देर पहले देखे हुए हैं, तो जो क्वेश्चंस देखा हुआ है उन क्वेश्चंस को हम लोग स्किप करके आगे आते हैं और जो न्यू क्वेश्चंस है उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से हमारा न्यू क्वेश्चन आ रहा है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन देशों में विकसित हुई? तो आंसर हो जाएगा चीन, जापान और कोरिया। अगला क्वेश्चन है भारत में छपाई की तकनीक कब और कौन लाया? तो आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने लाया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, 1871 में गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने 1871 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, तुलसीदास के रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहाँ छपा? तो उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में 1810 ईस्वी में छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो फारसी अखबारों के नाम लिखिए जो 1882 में प्रकाशित हुए। तो आंसर हो जाएगा जाम ए जहानामा और शमसुल अखबार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, नई मुद्रण की खोज यूरोप के सभी भागों में क्यों फैल गई? कारण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा नंबर 1 है, किताबों की बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं हो रही थी। नंबर 2 है, नकल उतारना बेहद खर्चीला था। नंबर 3 है, पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने और ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें थी। नंबर 4 है, इनका चलन सीमित रहा। और नंबर 5 है, किताबों की बढ़ती मांग के चलती वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लोकप्रिय हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर है, मुद्रित किताबें अशिक्षित लोगों के बीच लोकप्रिय क्यों हुई? तो उत्तर हो जाएगा नंबर 1 है, जो लोग पढ़ नहीं पाते थे वे भी बोलकर पढ़े गए को सुनकर मजा लेते थे। नंबर 2 है, लोकगीत और लोक कथाएं का छपना। नंबर 3 है, ऐसी किताबें सचित्र होती थी। और नंबर 4 है, इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब खानों में गाया सुनाया जाता था। अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री नंबर है, पांडुलिपियां क्या है, इनका प्रयोग व्यापक स्तर पर क्यों नहीं किया जाता था? तो उत्तर हो जाएगा, हाथों से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपियां कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन था, इनका प्रयोग व्यापक स्तर पर क्यों नहीं किया जाता था? तो इनका प्रयोग व्यापक स्तर पर इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि नंबर 1 है, किताबों की बढ़ती मांग पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नंबर 2 है, नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय अधिक लगना, मांग पूरी नहीं होना। नंबर 3 है, ये बहुत नाजुक होती थी, लाने ले जाने रख रखावे में मुश्किलें आती थी। और नंबर 4, उपरोक्त समस्याओं की वजह से उनका आदान प्रदान मुश्किल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन नंबर 4 फोर नंबर है, भारतीय लोग किस प्रकार अपनी पांडुलिपियों की नकल करते थे तथा उन्हें सुरक्षित रखते थे? तो उत्तर हो जाएगा नंबर 1 है, पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। नंबर 2 है, पन्नों पर सुंदर तस्वीरें भी बनाई जाती थी। नंबर 3 है, उन्हें तख्तियों की जिल्द में रखा जाता था। और नंबर 4 है, उन्हें ख्याल से सील कर बांध दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर है, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति लाने में क्या भूमिका निभाई? तो उत्तर हो जाएगा नंबर 1, छपाई के चलते विचारों का प्रसार, उनके परंपरा, अर्थविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना। नंबर 2 है, रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया। नंबर 3 है, चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर हमला। नंबर 4 है, छपाई ने वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। 19वीं सदी में महिलाओं द्वारा पढ़ने के चलन के प्रति लोगों का क्या रवैया था? महिलाओं की इस संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया थी? तो उत्तर हो जाएगा नंबर 1 है, उदारवादी पति और पिता अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे। नंबर 2 है, शहरों में छोटे छोटे स्कूल खुले तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। और नंबर 3 है, बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7 नंबर है, भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार योगदान दिया?
तो उत्तर हो जाएगा नंबर एक है, दमनकारी नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। नंबर टू है, उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन के बारे में लिखा। नंबर थ्री है, पंजाब के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपना केसरी समाचार छापा तथा लोगों ने गहरी हमदर्दी जताई। नंबर फोर है, पंजाब तथा देश के अन्य भागों में राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला। और नंबर फाइव है, इन कारण बाल गंगाधर तिलक को कैद कर लिया गया जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर एट को। एट नंबर है, ऐसे तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनसे मुद्रित किताबों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ी। तो उत्तर हो जाएगा नंबर एक है, मद्रास में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, अब गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकते थे। नंबर टू है, सार्वजनिक पुस्तकालय खुलना शहरों तथा कस्बों या संपन्न गांवों में। नंबर थ्री है, जाति भेद के बारे में लिखना पुस्तिकाओं और निबंधों में। नंबर फोर है, मजदूरों में नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए तथा राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नाइन को। नाइन नंबर है, रोमन कैथोलिक चर्च के विभाजन में मुद्रण संस्कृति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा नंबर एक है, मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक की कुरीतियों की आलोचना करते हुए 95 स्थापनाएं लिखी। नंबर टू है, इसकी एक छपी प्रति ब्रिटेन वर्ग के गिरजाघर के दरवाजे में टांगी गई। नंबर थ्री है, लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे गए। नंबर फोर है, नतीजा यह हुआ कि चर्च का विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म की सुधार की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टेन को। टेन नंबर है, मुद्रण ने किस प्रकार समुदायों और भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को जोड़ने का कार्य किया था। तो उत्तर हो जाएगा नंबर एक है, मुद्रित प्रणाली ने नए विचारों के विकास प्रसार और अभिव्यक्ति हेतु एक नए प्लेटफॉर्म का विकास किया। नंबर टू है, मुद्रित प्रणाली संचार का सबसे सस्ता और सरल साधन था। नंबर थ्री है, ये भारत के लोगों की समस्या को उजागर करते थे। नंबर फोर है, धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी। नंबर फोर है, अखबार भारतीय मूल के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक समाचार पहुंचाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को। वुड ब्लॉक वाली छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई इस कथन को स्पष्ट करो। तो उत्तर हो जाएगा, वुड ब्लॉक वाली छपाई यूरोप में 1295 ईस्वी के पश्चात आई क्योंकि नंबर एक है, यह तकनीक पहले चीन के पास थी। नंबर टू, मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। नंबर थ्री है, मार्को पोलो ने यूरोप को गुड ब्लॉक तकनीक से अवगत कराया। और नंबर फोर है, यह तकनीक यूरोप में फैल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को। अब क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 नंबर भी हम लोगों ने इससे पहले देखा हुआ है, 14 नंबर भी हम लोग इससे पहले देखे हुए हैं। तो जो क्वेश्चन हम लोग इससे पहले देखे हुए हैं तो उस क्वेश्चन को हम स्किप करके आगे आ रहे हैं। जो न्यू क्वेश्चन आएगा उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन हम लोग इससे पहले ऊपर में पढ़े हुए हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 19, ये न्यू क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी करने के कारण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा नंबर एक, जब किसी रिपोर्ट को बागी करार दे दिया जाता था तो उसे छपने से पूर्व चेतावनी दी जाती थी और न मानने पर प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली जाती थी। नंबर टू है, भारत में अखबार के माध्यम से बढ़ रहे राष्ट्रवाद अर्थात ब्रिटिश विरोधी विचारधारा को नियंत्रण करने के लिए। और नंबर थ्री है, भारत में छपने वाले सभी देशी अखबारों के प्रकाशन पर नजर रखने के लिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 भी हम लोगों ने इससे पहले एक बार देखा हुआ है। तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, इतने क्वेश्चंस का आप लोग तैयारी करें, इससे बाहर क्वेश्चंस आप लोग का इस चैप्टर से नहीं जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।